हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। देश में बनी हुई ट्रेन विदेश में दौड़ रही है। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिनों की यात्रा के लिए अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मोजाम्बिक गए थे। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार था जब कोई भी भारत के विदेश मंत्री मोजाम्बिक गए हों। अपनी इस यात्रा के दौरान जयशंकर साहब ने मेड इन इंडिया ट्रेन में सफ़र भी किया। उस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। उनकी यह यात्रा मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो से मसावा तक थी, जो कि केवल 13 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन इस छोटी सी यात्रा के माध्यम से दुनिया भर में मेड इन इंडिया ट्रेन को प्रमोट किया गया। हमारे लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि मेड इन इंडिया ट्रेन दूसरे देशों में दौड़ रही है। यानी जिस ट्रेन में जयशंकर साहब सफर कर रहे थे वह ट्रेन भारत में बनी थी। आपको बता दें कि हमारे देश ने मोजाम्बिक देश को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था और इसी से मोजाम्बिक ने भारत से ट्रेन खरीदा है। इस डील में भारत ने मोजाम्बिक को 6 रेल इंजन दिए हैं। इन रेल इंजनों को वाराणसी में बनाया गया था। इसके अलावा कुल 90 बोगियां भी मोजाम्बिक देश गई, जिसे यूपी के रायबरेली में ही बनाया गया था। अपनी मोजाम्बिक की यात्रा के दौरान एस जयशंकर साहब ने एक ब्रिज का उद्घाटन भी किया। इस ब्रिज का नाम है बूजी ब्रिज और इस ब्रिज को भी भारत के ही द्वारा बनाया गया है। 670 मीटर लंबी यह पुल बूजी नदी पर बनी हुई है। यह ब्रिज भारत और मोजाम्बिक के बीच दोस्ती और सहयोग का प्रतीक है। इसके बाद विदेश मंत्री जी ने मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो के श्री विशाम्बर महादेव मंदिर में पूजा भी की। साथ ही वे मोजाम्बिक में रहने वाले भारतीय लोगों से भी मिले। हमारा देश लगातार मोजाम्बिक के विकास में सहयोग दे रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।